गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट इज जीके, चैप्टर नंबर 7, अर्थ अवर होम प्लेनेट। अर्थ क्या है? होम प्लेनेट है। आज हम अर्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। अर्थ क्या है? हमारा होम प्लेनेट है, इस पे हम रह सकते हैं। अर्थ है जो देखो सन के अराउंड रोटेट हो रहा है, ये परिक्रमा कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ग्रीन कलर का जो सर्कल बना है वो क्या है? अर्थ है, जो सन के अराउंड घूम रहा है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच सपोर्ट्स लाइफ, मतलब अर्थ पे ही हम रह सकते हैं। ओनली एक ही प्लेनेट है जिसपे हम रह सकते हैं, यहाँ पे जिंदगी है। देखो एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब कुछ अर्थ पे अवेलेबल है। फिर देखो ये माउंटेन है, ये रेगिस्तान, सब कुछ यहाँ पे अर्थ पे गर्म हिल माउंटेन है, ओशन है, पानी, सब कुछ है, हवा पानी धूल मिट्टी सब कुछ, देखो एयर सब कुछ है, यहाँ पे हम रह सकते हैं। अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो ठीक से, इसके वजह से हम यहाँ पे रह सकते हैं। अर्थ से अगर सन बहुत क्लोज होता तो हम, अर्थ कैसे होता, बहुत गर्म होता, जिसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं रह पाते। पर अर्थ और सन का डिस्टेंस नॉर्मल है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ अवेलेबल है, ठीक है। सकते द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन। इट वॉज फॉर्म अबाउट 460 करोड़ ईयर्स अगो, प्रोबेबली फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। वॉट मेक्स अवर अर्थ सो स्पेशल इज दैट इट इज द ओनली नॉन प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे हम रह सकते हैं। 460 करोड़ साल पहले की बात है, जहाँ पे शायद क्लाउड गैस या डस्ट से ये प्लेनेट बना है। ये प्लेनेट पे हम रह सकते हैं। इस प्लेनेट पे क्यों रह सकते हैं? यहाँ पे ग्रेविटी है, धूल पानी हवा सब कुछ है यहाँ पे जीने के लिए, कोई और प्लेनेट पे नहीं है। ग्रेविटी की वजह से हम ज़मीन पर चल सकते हैं, अगर ग्रेविटी ना होता तो हम कैसे आसमान में उड़ते, हम चल नहीं पाते। अर्थ ये सन के चारों ओर घूमने वाले प्लेनेट में से एक है। यह हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसपे ये जो जीवन का समर्थन करता है, जिसपे हम रह रहे जी रहे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है द इमेजिनरी लाइन गोइंग अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। इमेजिनरी लाइन, ये अर्थ के जो बीच में जो रेड कलर की जो लाइन है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? वो लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। सेकंड है अर्थ शेप इज अ, अर्थ का शेप कैसा होता है? गोला गोला जैसा होता है अर्थ का शेप, उसको कहते हैं स्फीयर। स्फीयर द मास ऑफ एयर द सराउंड द अर्थ, हवा का द्रव्यमान जो पृथ्वी को घेरता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, वातावरण, जैसे कि हवा है, सब कुछ क्या है जो ऋतु चल रही है हमारी, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द इमेजिनरी लाइन थ्रो द पोल्स एंड सेंटर एक्सिस। नेक्स्ट वन इज अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। इसका मतलब होता है चारों ओर पृथ्वी की हलचल। नेक्स्ट है देयर इज लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज़, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस, इसको बोलते हैं रोटेशन। इसका मतलब है अपनी धरी पर पृथ्वी की गति, पृथ्वी अपनी धरी पे रोटेट होती है। नेक्स्ट है देयर इज लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड वर्म्थ। अर्थ पे हम जीवन गुजार सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी और हवा है, इसके वजह से हम यहाँ पे पृथ्वी पर जी सकते हैं। वेदर ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
क्लाइमेट, एक लंबे समय से अधिक क्षेत्र का मौसम। हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन कॉज डे एंड नाइट। व्हाट टाइप ऑफ मोशन कॉजेस डे एंड नाइट, किस प्रकार की गति दिन और रात का कारण बनती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, रोटेशन अबाउट एक्सिस। जो पृथ्वी जो है, अर्थ है, वो अपनी धरी पे जो रोटेट होती है ना, तो वो उसकी वजह से हमको दिन और रात का पता चलता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन कॉजेस द सेशंस, प्रकार की गति ऋतुओं का कारण बनती है, मतलब ठंडी गर्मी ये सब जो ऋतुएं चेंज होती रहती है ना, तो किसकी वजह से, रिवॉल्यूशन अबाउट द सन। नेक्स्ट है, वी लाइव इन साउथर्न हेमिस्फीयर थ्रू और फॉल्स। तो हम कहाँ पे रहते हैं, इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ में, ठीक है, तो ये आंसर में क्या लिखेंगे, फॉल्स। व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ, मतलब अर्थ किससे बनती है, पृथ्वी किससे बनती है। द अर्थ इज, द अर्थ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स कॉल्ड द क्रस्ट, मेटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। पृथ्वी की संरचना में विभिन्न परतें होती है जिन्हें क्रस्ट कहा जाता है, मेटल को मेटल, आउटर कोर एंड इनर कोर कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड है मेटल, थर्ड है इनर कोर और फोर्थ है आउटर कोर। 30 किलोमीटर, सॉइल, स्टोन्स एंड सॉलिड रॉक्स एट द सरफेस। 30 किलोमीटर सॉलिड स्टोन, सॉलिड रॉक्स, ये इसकी सरफेस होती है, मतलब इसकी एक परत होती है जिसे कहते हैं क्रस्ट। सेकंड है डेप्थ 2,900 किलोमीटर, बॉइलिंग रॉक्स जिसे कहते हैं मेटल, उबलती चट्टान का जो लेयर होता है उसे कहते हैं मेटल। डेप्थ अबाउट 2,000 किलोमीटर, मोल्टेन मेटल, मतलब आउटर कोर, पिघले हुए धातु से जो लेयर बना था उसे कहते हैं मोल्टेन मेटल, जो पृथ्वी के बाह्य कोर बाहर की तरफ होती है, इसलिए उसको कहते हैं आउटर कोर। डेप्थ अबाउट 1,350 किलोमीटर, सॉलिड मेटल्स आयरन एंड निकल्स हॉट एज द सन। धातुएं लोहे और निकल से बनी हुई जो लेयर होती है वो पृथ्वी के अंदर की तरफ होती है, इसलिए उसको कहते हैं इनर कोर। तो अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी कैसे बनती है, तो पृथ्वी इन फोर लेयर से बनती है, क्रस्ट, मेटल, इनर कोर और आउटर कोर। पृथ्वी इन चार लेयरों से बनती है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।